होगा जैसे वो आज के एक दो गाने हिट है ना, ये है कि माई को पता नहीं सलाम। इसमें ये कि गाने में मैं थोड़ी डूब, आप देख रहे थे कि डूब गई थी, वो इनके गाने में एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि ये गाना ज़रूरी नहीं कि कोई आशिक माशूक पे ही जाता हो या बंदा बंदा बंदी पे जाता हो। ये आप इसमें अपने किसी भी भाई को भी देख सकते हैं, बहन को भी देख सकते हैं, किसी रिश्तेदार को देख सकते हैं, किसी और रिश्ते को भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, मर्द और औरत के बस दो ही रिश्ते होते हैं, वो वाला रिश्ता है या वो वाला नहीं है। मर्द और औरत के और भी रिश्ते होते हैं। ये तो हमारी जो फिल्मी हीरोइन होती है उसकी हमेशा उसकी बैक पे एक सियासतदान होता है या कोई सनअतकार होता है जो फिल्म को में आके फाइनेंस करता है, ऐसा होता है। आपके दौर में तो पहले लेकिन आजकल पिछले दौर में काफ़ी हुआ। अच्छा, सियासतदान उनकी पर्सनल लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है, फिल्म को कर रहा होता ना तो फिल्मों का ये बेड़ा गर्क ना इस वक्त हुआ होता कि बेचारे जो टेक्नीशियन हैं वो बाहर खोखों पे बैठे रहते हैं। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें वो टेक्नीशियन हमारे साथ थे सारे, कुछ 400-500 टेक्नीशियन था, एक चैनल का प्रोग्राम था। अच्छा। तो उन्होंने खुद ही बताया, और उस प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि आज हमारे टेक्नीशियन बाहर खोखों पे बैठे रहते हैं कि कोई आए हमें एक कप चाय पिलाए, एक कप चाय के लिए तरस रहे। तो वो जो पॉलिटिशियन या सरमायादार या जागीरदार जो होते हैं ना, वो उनको पर्सनल सपोर्ट कर रहे होंगे, पर्सनल फिल्म बनाते होंगे जो सिनेमों पे नहीं चल सकती। अच्छा। जैसे मेरे हरीफ कहते होते थे जी इन्होंने फिल्मों में काम किया है, तो मैंने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है फिल्मों में काम, और हमारी फिल्में सिनेमों पे चल सकती हैं। तुम लोगों की तो ऐसी ऐसी फिल्में खास लोगों के पास हैं जो सिनेमों पे नहीं चल सकती। इस बने सर तो भी मेरे पास ना पिछले दिन एक काफ़ी बड़ी हीरोइन आई, अब तो खैर कोई हीरोइन रही नहीं तो सारे एड में काम करने। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन नखरे वही हैं। मुझे कहती है कि पत्नी बातें होती थी, मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं ऐसी लड़की हूँ, तो थोड़े पर कहती तुम क्या सोचो। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ, तो उसको मेरी बात समझ आई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बहरहाल वो तो खैर। अच्छा मुझे बताइए कि इतना आपने टाइम गुजारा, सब कुछ किया, कभी जिंदगी में कोई पछतावा हो कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था?
सियासत में आगे पता चला कि ये जो फील्ड है ना ये बहुत मुश्किल, लेकिन हौसले चूंकि हमारे बिल्कुल जवान थे, मजबूत थे, वो जो हमने एक अपना वो किया हुआ था, है तो बहुत मुश्किल फील्ड। नहीं, फिल्मों में खुदा ना खास्ता मैंने वहाँ चोरी नहीं की, डाका नहीं किया, कोई ख़जाना नहीं लूटा, किसी का कत्ल नहीं किया, किसी से छीना नहीं, जो भी किया है। देखिए ये अल्लाह और इंसान के बीच का एक रिश्ता है, वो गफूरु रहीम है और वो कुल मतलब है कि आलम का वो रब है, और वो किसी एक मज़हब का रब नहीं है, किसी मुसलमान का रब नहीं है, किसी हिंदू का नहीं है, कुल आलम का वो रब है और वो माफ़ करने वाला है, गफूरु रहीम है वो, और कौन गलत कर रहा है या कौन ठीक कर रहा है ये उसकी नज़र में फ़ैसला है। कभी हमसे अनजाने में ऐसी शायद बड़ा गुनाह हो जाता हो, मामूली सा भी, कि हमने किसी का पानी कोई पीने लगा, हमने पी लिया, शायद उसमें पकड़ में आ जाए। बीच में आपने सियासत की छोड़ भी दी थी शायद? नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी कोई नजर नहीं आई? बैकग्राउंड में मैं हूँ, बैकग्राउंड में करने वाले हैं ना, बैकग्राउंड में मुझे पीछे फेंकने वाले। आज तक आपने मुझे कभी करंट अफेयर के प्रोग्राम में देखा? नहीं, थ्रेट मिलती है कभी आपको? थ्रेड्स बहुत मिलती हैं, मेरा ख्याल है कि आजकल भी मेरे बारे में थ्रेड्स हैं। क्या आपने भी ढेर सारे गार्ड्स और वो जो होते हैं नो नथिंग मेरा, उसके लिए तो फिर करप्शन की जरूरत है ना जी। हाँ। जैसे आपने फरमाया था कि करप्शन या आपके पास पैसा, मैंने कहा काम तो खरीदते तो नहीं है लोगों को, हमारे पास तो लोग पैदल चल के, मेरे तो सारे वर्कर जो है जलसों में आते हैं 11 नंबर गाड़ी पे, पता है आपको 11 नंबर गाड़ी जानते हैं? जी बिल्कुल। नहीं मैं कह रहा हूं क्या है लोगों को भी बता, 11 नंबर गाड़ी है, 2 टांगे, हाँ जी, वो चल के उस पे आते हैं लोग हमारे जलसों में, तो वहाँ पैसों की जरूरत है? 11 नंबर गाड़ी में तो पेट्रोल भी नहीं पड़ता। आप सियासतदानों को करप्ट कह रही हैं, लोग तो हमारी फिल्मी हीरोइनों को भी करप्ट कहते हैं। आए वो तो बेचारी ऐसे मासूम है, क्या कर रहे हैं ना करें, आजकल की हीरोइन तो सबसे ज्यादा अमीर होती है ना, अमीर तो है बेचारी हमारी जो हीरोइन है, देखे हाँ वो अपना वो कहाँ, और पॉलिटिशियन कहाँ, आर्टिस्ट बेचारा बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा मासूम होता है, और है ही कितनी, 2.5 हीरोइने हैं, वो बेचारी वो भी जाने वाली हैं, अब क्या उनके अब खिलाफ, अब तो वो मतलब है कि बहुत सीनियर हो गई हैं सारी, अब वो कोई बच्चियां नहीं है कि उनके खिलाफ बैठ के हम बातें करेंगे। हाँ। वो मतलब सारी घर बार की होने वाली है ना, मतलब लड़कियां हैं, अल्लाह करे अब नई लड़कियां आएं। रीमा मुझे बड़ी अच्छी डायरेक्टर लगी है, मैं उसकी तारीफ़ करूंगी, रीमा की पहली दफ़ा मुझे तारीफ़ करने का मौका मिल गया, आप बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रही हैं, बड़ी अच्छी डायरेक्टर है, ऐसी अच्छी डायरेक्टर उभर के आनी चाहिए, एक बहुत खुशी हुई है कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा डायरेक्टर मिला, और अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रही हूँ तो दिल लगा के एज ए डायरेक्टर ज़्यादा फिल्में करें, 1-2 फिल्में तो साल में ज़रूर एज ए डायरेक्टर करें। मगर मेरी ख्वाहिश ये कि रीमा फिल्म अच्छी बनाती है, प्रोड्यूसर दे फिल्में दे, रीमा ज़रूर फिल्म बनाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये कि वो उसमें खुद हीरोइन ना हो, बहुत तब वो अपने काम से ज्यादा इंसाफ करेंगे। सुभान अल्लाह। एनीहाउ जो मैं नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तो आपने ये बात की है, अच्छी बात की, बड़ी अच्छी दोस्त सुन लेती मेरी बातें, बहुत अच्छी टेक्निशियन है, हीरोइन भी अच्छी थी, आर्टिस्ट भी अच्छी थी, लेकिन और बड़ा अच्छा ग्रो हुई है, दो कश्तियों में पांव रखेंगे तो फिर आप डूबेंगे ना, डूबने वाली बात है ना, फिर कहीं गुम हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। अब देखिए मैं सीरियल्स भी बना सकती हूँ, ड्रामे भी कर सकती हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन फुल टाइम जॉब है पॉलिटिक्स, फुल टाइम जॉब है सोशल वर्क, फुल टाइम जॉब है फिल्म। अगर मैं इधर आती हूँ तो मेरी वो मेहनत 12 साल की ज़ाया होती है, अगर मैं मतलब कि इधर टाइम नहीं देती तो फिर मेरी वो फ्लॉप होती है। मुझे कई चैनल्स पे एज ए होस्ट अभी तक ऑफर चल रही हैं कि आएँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं ये फुल टाइम काम है, इसमें मतलब फुल टाइम तो बेसिक एजुकेशन तो मेरी ठोकरें हैं। खरगोश से बड़ी एजुकेशन कोई भी नहीं होती, वो तो बहुत बड़ी एजुकेशन अगर इंसान को समझ आ जाए। और इसी नोट पर मैं चाहूंगा कि मैं बसरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आई, इतना कीमती टाइम निकाल कर, और आपने मेरे हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, और कहीं पर भी नहीं घबराई, बल्कि मैं तो डर रहा था कि शायद अभी कोई एकदम से उठेंगी और कहेंगी चुप कर जाओ और चल पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने वो सब सवालों के जवाब दिए जो इनको असल में देने चाहिए थे और मैं चाह रहा था कि वो दें। और मैं ये बताऊं कि जो हमारा फनकार होता है बेसिकली मासूम इंसान होता है, और मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमें हम नजी खान के साथ जी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं, और खावर इन लॉ आपका जो ये कानून है बहुत खूबसूरत खाना दिया, बहुत अच्छा आपने रिसेप्शन दिया, और बहुत अच्छे सिंगर से हमें मिलवाया, मेरे गांव के करीब से मुझे नजी खान से मिलवा दिया, जाते जाते मैं चाहूंगा शुक्रगुजार हूँ जी। अच्छा जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।
ਨੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਐਡਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ।